विकास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अच्छा, आज सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक वो ये है कि मैं सोच रहा था कि यार मैं अगर यहाँ पे यूके में हूँ तो मेरे से काफ़ी सारे लोग इस बात पे पूछ रहे होते हैं कि भाई अभी यूके के हालात कैसे हैं, हमें स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूके वी आई ने भी कुछ रूल्स चेंज किए हैं। लाइक अगर कोई स्टडी वीज़ा पे आता है तो वो अब ड्यूरिंग स्टडीज़ अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकता। तो इसके बाद भी अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह भी कंसर्न है कि उनको कंसल्टेंट्स या लोग ये बता रहे हैं कि बहुत सारा रश हो गया, जिस रश की वजह से यहाँ पर जॉब्स और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम हो गई हैं। किसी हद तक ये बात सही है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारा रश हो गया, यूनिवर्सिटीज़ भी अब थोड़े नखरे कर रही हैं। लाइक इतना इजी नहीं होता यहाँ पे एडमिशन लेना जिस तरह पहले होता था कि अगर किसी को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ये देख रहा होता था कि स्टडी गैप है या लाइक हमें कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम लाइक ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल है तो हम यूके में अप्लाई करेंगे तो हमारा ईजिली वीज़ा आ जाएगा। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल हुई हैं चीज़ें कि आपको यूनिवर्सिटी थोड़ा टफ टाइम दे रही है, ऑफ़र लेटर में कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफ़र दे के कैश में थोड़ा टफ टाइम दे रही हैं, वैसे इंटरव्यूज़ भी आजकल हो रहे हैं। तो अभी जेनरल टेक लिए आपके पास टाइम है, आप कोशिश करें एक अच्छा केस तैयार करें, लाइक आपका आईएलटीएस पीजी आपका स्कोर अच्छा हो, अगर आपका स्टडी गैप है तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो, तो अपने केस प्रेजेंट करें और जेनरल टेक में अप्लाई करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको अभी ऑफ़र ईजिली दे देंगी क्योंकि यहाँ पे भी अभी यही चल रहा है, जो पहले एप्लीकेशन जाएंगे तो उनको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जॉब्स की बात करें, रश की बात करें, तो फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा, जो जॉब का पेइंग रेट है उस पर फ़र्क पड़ा, पेइंग रेट पे फ़र्क पड़ा, थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अगर आप एफर्ट्स कर सकते हैं, अगर काम कर सकते हैं तो आपको जॉब्स मिल रही हैं। बाकी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या आपके कोई कंसर्न है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी और